हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हैप्पी इन द कम्फर्ट्स ऑफ योर होम। वेल गाइज, पिछले साल से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है। हम सब लोगों ने बहुत तरह से सफ़र किया है और बहुत ज़्यादा सफ़र हमारी फाइनेंसिस ने भी किया है। येस, आर इनकम हैज सफर्ड अ लॉट एंड आई बिलीव मैनी ऑफ अस आर लिविंग इन आवर सेविंग्स। सो यू नो, घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट कीजिए और घर बैठे बैठे पैसे कमाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे रिटर्न। आई एम गोना सजेस्ट यू अ ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड ट्रेडर कॉल्ड ऑफिशियल डॉलर्स ट्री ऑफिशियल पेज। आई रिपीट अगेन, डॉलर्स ट्री ऑफिशियल पेज। Just follow this page, Dollar Tree Official, जो आपके इन्वेस्टमेंट में आपको 3-5 टाइम्स का रिटर्न देगा। सो आई वुड आस्क यू गाइज टू गो एंड इन्वेस्ट योर मनी विद ऑफिशियल डॉलर ट्री। गो इन्वेस्ट एंड अर्न। आप लोगों ने देखा वीडियो के कैसे वो अभिनेत्रियां लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं कि आप लोग जाकर इसको इन्वेस्टमेंट करें। और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें तो नहीं मालूम कितने लोग ठगे जा चुके हैं, लेकिन ये लोग सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं। इन लोगों का काम है इन्फ्लुएंस करना, लेकिन ये लोग इन्फ्लुएंस करने से पहले जाँच पड़ताल तो करते नहीं होंगे। 2 रुपये मिल जाता होगा उससे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो इनकम हुआ। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा आखिर कहने के पीछे तात्पर्य क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब ये लोग फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, इस एडवाइस को लोग सुन के उनसे इन्फ्लुएंस होकर लोग इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट किए होंगे। जैसे इसमें एक मेरी छोटी बहन अंकिता, वो भी फाइनेंशियल इन लोग का बात सुन के फाइनेंशियल एडवाइस लेकर और इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी बिना मुझसे पूछे हुए 25 जून को। और एक महीने के समझिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट किया कितना, एक महीने का पूरा सैलरी अपना उसमें डाल दिया। डालने के बाद मालूम चल रहा है कि जिस पेज को लो बोला कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो पेज हरार है, इंस्टाग्राम पे फिलहाल वो मौजूद नहीं है। मेरी छोटी बहन का इसमें गलती क्या है, वो लोग उनके कहने पे, उनके ट्रस्ट पे, मैं अकेले इन्फ्लुएंसर हैं बिना जांच पड़ताल किए, ऐसा कुछ किए नहीं होंगे, और उनके इस विषय को सोचते हुए वो इस पेज पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिए। इस इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ मालूम चल रहा है कि हम लोग ठगे जा चुके हैं, मेरी छोटी बहन ठगी जा चुकी है। इस 2-4 दिन बाद मुझे मालूम चल रहा है कि मेरी छोटी बहन ऐसा कार्य की है। तो मैंने सिंपल से जाकर इस सारे उस विषय से जुड़े हर एक सबूत को मैंने कलेक्ट किया, जो जैसे कि आप देख सकते हैं, कि एविडेंस के तौर पे मैंने 15 पेज का ये पूरा तैयारी किया हूँ, पूरा सबूत दिखाया इसमें कैसे कैसे क्या हुआ है, पूरा इसमें डिटेल दिया हूँ। और मैं जाकर साइबर क्राइम ब्रांच में मैं इन इन पूरे प्रमुख अभिनेत्रियों के खिलाफ जो इस वीडियो के थ्रू प्रचार किए हैं, इसके खिलाफ की इन लोगों के वजह से एक हादसा हुआ मेरी छोटी बहन के साथ। ऐसे हज़ारों लोगों के साथ हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग इस सब हादसा के बाद चुप हो जाते होंगे साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने। बहुत लोगों को नहीं मालूम होता कि इस पर कंप्लेंट कहाँ किया जाता है, लेकिन मैं अपने मतलब जानकारी से जो भी मतलब मेरे अगल बगल हैं उनसे मैं जानकारी लेने के बाद से मैं जाकर उन्हें साइबर क्राइम में पर जाकर इसको कंप्लेंट दर्ज कराया, और उस पर इसमें तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों का नाम है और जो भी फ्रॉडर था, मतलब जिसके द्वारा मतलब जो इंस्टाग्राम पेज चलाता था, जो इन्होंने सजेस्ट किए थे उसके उनके बताए द्वारा जो भी उनसे जुड़ा हुआ सबूत है मैंने साइबर क्राइम को दे दिया हूँ। और असल कारण यही है कि मतलब ये इसी वजह से मैंने जाके तीनों प्रमुख अभिनेत्रियों के खिलाफ मैं जाके एक्शन लिया हूँ, और कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा काम करना चाहिए ताकि लोग मतलब उन लोगों को भी समझ में आए कि इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर उनको भी समझ में आए कि हम जो भी कर रहे हैं उससे बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ता है, और इससे समझें कि बिना किसी जांच पड़ताल के कोई भी किसी भी चीज़ का स्पॉन्सर ना करे। आप तो 2 रुपये कमा लेते हो, लेकिन आपके वजह से कितने लोगों का एक महीने की सैलरी और हज़ारों बजट सब डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं इस वीडियो का अंत यही करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप जो भी दर्शक है इस वीडियो को ताकि बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, और इन अभिनेत्रियों के एक वजह से फ्रॉड होने की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन इसमें नुकसान में छोटी बहन का भी हुआ है। केस की हम आगे देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। अगर मुझे आप केस से जुड़े कोई भी शिकायत या अपडेट जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर आपको मैं हर केस से जुड़ा अपडेट देता रहूँगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।